सरोकार मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हमारे साथ केदार जी हैं जो अपनी कहानी ममता पढ़ रहे हैं। केदार जी वरिष्ठ कहानीकार हैं और बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में उनकी कहानियां छपती रही। केदार जी आपका स्वागत। धन्यवाद देवेंद्र जी। आज मैं राजस्थान पत्रिका के परिवार परिशिष्ट में 2019 में प्रकाशित हुई कहानी ममता का वाचन करने जा रहा हूँ। ममता। मैं उन दिनों शहर से 8 किलोमीटर दूर एक गांव में साइकिल से ही स्कूल आता जाता था। लौटते समय सड़क किनारे सब्जी का टोकरा लिए नीम के पेड़ के नीचे बैठी किशोर वय की एक लड़की से रोज शाम के लिए सब्जी भी खरीद कर ले जाया करता था। सड़क के पास ही उनका खेत और कुआं था। उसके पास ही एक झोपड़ी बनी हुई थी जिसमें वह लड़की परिवार सहित रहती थी। खेतों में आसपास बहुत सी झोपड़ियां थी। कभी गुजरते वाहनों की आवाज तो कभी सब्जी के खरीददार इस सन्नाटे को भंग कर चहल पहल में बदल देते थे। सब्जी खरीदते समय मोल भाव की नोक झोंक रोज होती। ऐसे ही एक दिन मैंने नाराज होने का नाटक करते हुए कहा, आज के बाद तुमसे सब्जी नहीं खरीदनी, तुम हमेशा ज्यादा भाव बताती। जाओ बाबूजी जाओ, शहर से सब्जी खरीद कर तो देखो, अगर यहां से भाव कम निकले तो मेरा नाम बदल देना। वह हंसते हुए स्वाभाविक रूप से कह गई, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने बात का सिरा पकड़ा, मेरा नाम तो ममता है। क्यों? भाव कम निकले तो तुम्हारा नाम भी तो बदलना है। क्या तुम पढ़ी लिखी हो ममता? नहीं बाबूजी, मुझे तो नाम लिखना भी नहीं आता, ममता ने कहा। अच्छा, नाम लिखना तो मैं अभी सिखा देता हूं, तुम ध्यान से समझकर अभ्यास कर लेना, बहुत आसान है। मैंने रेत पर उंगली से रेखाएं खींचकर ममता को नाम लिखकर समझा दिया। दूसरे दिन मैं फिर स्कूल से लौटा तो सबसे पहले मैंने वही सवाल किया, क्या तुमने नाम लिखने का अभ्यास किया था ममता? मुस्कुराते हुए उसने पास ही रेत पर उकेरे हुए अक्षरों की ओर इशारा किया। उसने कई जगह अपना नाम लिख रखा था। मेरे सामने उसने दोबारा लिखकर बता दिया। मैंने प्रस्ताव रखा, ममता अगर तुम चाहो तो मैं रोज वापस लौटते समय तुम्हें पढ़ना लिखना सिखा सकता हूं। मैंने एक कॉपी और पेन उसे उसी समय दे दिया। अभ्यास के लिए उसका नाम लिखकर नकल करने के लिए दे दिया। अगले दिन ममता के पास एक प्राउड बॉय की स्त्री बेटी। मेरा अनुमान सही था, वह उसकी माँ थी। परस्पर अभिवादन और परिचय के बाद उसकी माँ ने बताया, बाबूजी बचपन में ये स्कूल जाने की बहुत जिद करती थी, तब हम लोग इसी पास के गांव में रहते थे जहां आप रोज पढ़ाने जाते हो। छोटे भाई बहनों को संभालने, घर का काम कराने और दो जून की रोटी कमाने के स्वार्थ के चलते हमने इसकी जिद का गला खोल दिया था। अब एक बार फिर इसने जिद की है, अब आप इसका इसको पढ़ाने के कितने पैसे लेंगे? मैंने कहा, माँ जी एक ही शर्त है, अगर ये सीखती रहेगी तो मैं रोज आधा एक घंटा
स्कूल से वापस लौटते समय यहीं पर बैठकर पढ़ा दिया करूंगा। लड़की है, पढ़ लिख जाएगी तो यह धर्म पुण्य का काम ही होगा। एक लड़की पढ़ेगी तो सात पीढ़ी तरेगी। परंतु अगर मुझे लगा कि यह सीख नहीं पा रही है तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। मैंने कुछ और किताबें ममता को दे दी और अक्षर ज्ञान का सिलसिला शुरू कर दिया। साइकिल को एक और खड़ी करके मैं खजूर के पत्तों से बनी चटाई पर बैठकर ममता को पढ़ाने लगा। कभी कोई ग्राहक आ जाता तो उतनी देर के लिए हमें रुकना पड़ता। ममता में गजब की ग्रहण शक्ति थी। एक बार जो बता दिया उसे दोबारा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अभ्यास के लिए जितना दिया जाता उससे ज्यादा वह करती थी। मात्रा वाले शब्द सीखना अपेक्षाकृत उसे कठिन लगा, पर अभ्यास हो जाने के बाद वह तेजी से वाक्य दर वाक्य पढ़कर समझने लगी। शुरू के कुछ दिन उसकी माँ सामने बैठी रही, पर आश्वस्त होने के बाद कि उसकी बेटी सीखने में रुचि ले रही है, वह अपने रोजमर्रा के काम में पास ही खेत में जुटी रहती। बीच में एक दो बार आ जाती और मेरे विरोध के बावजूद कभी कभी एक थैले में सब्जी भरकर साइकिल पर टांग देती। लगभग 3 महीने में ममता ने हिंदी पढ़ना सीख लिया था। जब भी मैं उसे कोई नई कहानी की किताब पढ़ने को देता, दूसरे दिन ढेर सारे कठिन शब्द वह कागज पर लिख कर मेरे सामने रख देती। शब्दों के संदर्भ सहित अर्थ समझाना मेरी रुचि का विषय था। एक बार मैंने उसे धार्मिक पुस्तक सुख सागर की कथाएं जो मेरे पास पड़ी थी लाकर दे दी, तो वह विस्मित भाव से हंसने लगी, हे भगवान इतनी मोटी किताब। बाद में उसे वह पुस्तक बहुत रुचिकर लगी। सामान्य जोड़ बाकी गुणा भाग में तो उसने आशातीत गति से निपुणता प्राप्त कर ली थी। कुल मिलाकर मेरे प्रयास और उसकी उपलब्धि संतोषजनक थी। दिसंबर का महीना चल रहा था, ठंड अपनी पकड़ को मजबूत करने लगी थी। सूर्य जल्दी ही अस्ताचल की ओर जाने लगा था। हमारे सीखने सिखाने का समय भी बहुत कम हो गया था। अगले महीने से ममता को कुछ अंग्रेजी सिखाने की योजना मैंने मन ही मन बना ली थी। हमारा विद्यालय भी उच्च प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत हो चुका था। एक दिन अचानक प्राथमिक सेटअप के सभी अध्यापकों का स्थानांतरण और उनके स्थान पर माध्यमिक सेटअप के स्टाफ का पदस्थापन का आदेश आ गया था। मेरा स्थानांतरण भी 30 किलोमीटर दूर किसी गांव में हो चुका था। स्कूल जाते समय ममता की माँ मिल गई थी। मैंने स्थानांतरण की बात बताई और कहा, माँ जी अब मैं कल से नहीं आ सकूंगा, आप ममता को ये और किताबें दे देना और उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करती रहना। वह बहुत उदास हो गई। बोली, मास्टर साहब इस जंगल में उसे कौन पढ़ाएगा? भला हो आपका जो उसे पढ़ना लिखना सिखा दिया। जो ही फुर्सत मिलती है किताबों में खो जाती है। शाम को खाना खाने के बाद आसपास के कुछ परिवार आ जाते हैं और उस मोटी सी किताब में से रोज कथाएं कहानियां सुनाती रहती है। उसके जीवन में एक तरह की नई उमंग आ गई है। ससुराल में भी परिवार पढ़ा लिखा नहीं है, पति भी अनपढ़ है, आगे राम करे सो काम है। स्कूल में भी आज उदासी का माहौल था। कुछ बालिकाएं रोने लगी थी। एक साथ हम 4 अध्यापक जा रहे थे।
विदाई समारोह के बाद कार्य मुक्त होकर मैं वापस घर के लिए साइकिल से ही रवाना हो गया। सुबह से ही आकाश में बादल छाए हुए थे, ठंडी हवा तीर की तरह चुभ रही थी, मंथर गति से साइकिल आगे बढ़ रही थी, पर मन में विचारों का बवंडर चल रहा था। ममता को आगे पढ़ते रहने की प्रेरणा देने के लिए मैं शब्दों का जाल बुनता जा रहा था। पता ही नहीं चला कि कब मैं ममता के सामने जाकर खड़ा हो गया। ममता, मैं जा रहा हूं। मैंने इतना ही कहा था कि उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। मेरा भी गला रुंध गया था, मुंह से कोई शब्द निकलना मुश्किल था। भावनाओं के ज्वार को रोक पाने की अक्षमता से आशंकित होकर मैंने साइकिल आगे बढ़ा दी। समय पंख लगाकर उड़ता गया। ममता की स्मृति भी अतीत की धुंध में खो गई थी। कई वर्षों बाद संयोग से एक दिन पासी के कस्बे में स्थित हमारे गुरुजी के आश्रम में साधना शिविर का आयोजन था। साधकों के लिए भोजन व्यवस्था की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी, अतः सुबह ही किसी को लेकर सब्जी मंडी में जाना पड़ा। एक बड़ी सी दुकान देखकर मैंने सब्जी खरीदने के लिए ऑटो रुकवा दिया। सब्जी खरीद कर ऑटो में रखवाने के बाद भुगतान के लिए मेरा ध्यान काउंटर पर गया। वहां ममता बैठी थी, देखते ही पहचान गई। बोली, सर आप यहाँ? हाँ ममता, ये संयोग ही है जो मनुष्य को मनुष्य से मिला देता है। मैंने विस्तार से सारी बात बताई। सर, इस दुकान के पीछे ही मेरा ससुराल है। ये दुकान हमारी ही है, पति पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए हिसाब किताब में ही संभालते हैं। आपने जो सिखाया था उससे जीवन में बहुत सम्मान मिला है सर। लेकिन ममता, वह तो तुम्हारी सीखने की ललक और कुशाग्र बुद्धि का परिणाम था, अन्यथा इसके बिना क्या सीखना संभव होता? हाँ सर, वो बोली, दीपक भी हो, उसमें तेल भी भरा हो, तेल से भीगी हुई बाती भी हो, पर यदि उसे प्रज्वलित करने वाली चिंगारी ना हो तो क्या उजाला हो सकता है? सर, आश्रम में पधारे हुए साधकों के लिए आज की सब्जी मेरी ओर से, कहते हुए उसने दोनों हाथ जोड़कर पैसे वापस कर दिए। धन्यवाद आप सभी।